नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज आज की अपनी स्पेशल स्टोरी ई पॉलिटिक्स है मैं चर्चा करूंगा ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नरेंद्र गुप्ता की। आखिर कौन है यह नरेंद्र गुप्ता जिसे बीजेपी ने हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल का टिकट काट कर चुनाव मैदान में उतारा है? किसका है यह चेहरा जिसे न होर्डिंग्स में छपकर खंभों पर लटकते देखा और न कभी अखबारों में बयानबाजी करते? यह चेहरा है नरेंद्र गुप्ता का, उस नरेंद्र गुप्ता का जो पिछली बार के प्रत्याशी की तरह पैराशूटर नहीं है बल्कि ग्रास रूटर है। अब सवाल यह है कि क्यों लोग नरेंद्र गुप्ता को नहीं जानते? दरअसल जो ईंट नींव में दबी होती है वह कंगूरे पर दिखाई नहीं देती। अब तो खैर बीजेपी की तूती बोलती है पार्टी ओवरक्राउडेड हो रही है, लेकिन नरेंद्र गुप्ता उस समय से बीजेपी में है जब पार्टी की कोई पहचान नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहूं तो नरेंद्र गुप्ता ने उस समय बीजेपी की दरी बिछाई है जिस समय लोग बीजेपी को अछूत पार्टी मानकर उससे दूर भागते थे। नरेंद्र गुप्ता ने वर्ष 1991 में बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1994 में बल्लभगढ़ मंडल अध्यक्ष, वर्ष 2000 में बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, 2004 में इसी प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष और 2010 में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और फिर 2016 में प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। पैदा हुए होंगे कभी हतीन में, लेकिन नरेंद्र गुप्ता ने अपनी जवानी इसी शहर के नाम कर दी। लाखों लोगों की तरह वह भी इस शहर में कोई 40 साल पहले तरक्की का सपना लेकर आए थे। इस शहर में मेहनत की तो इस शहर ने किस्मत चमका दी। आप 10 साल किसी देश में रह लें तो वहां नागरिकता मिल जाती है और 15 साल अपने ही देश के किसी राज्य में रह लें तो डोमिसाइल बन जाता है। वहां सवाल है कि नरेंद्र गुप्ता बाहरी उम्मीदवार हैं। ठीक 40 साल पहले इसी शहर में आकर नरेंद्र गुप्ता ने सिर्फ 30,000 रुपये में चावला कॉलोनी में एक वर्कशॉप लगाई थी। ऊपर परिवार रहता था और नीचे प्रिंटिंग प्रेस के पुर्जे बनते थे। फिर कारोबार बढ़ा तो परिवार सेक्टर 7 के मकान नंबर 1570 में शिफ्ट हो गया और दशकों यहां बिताने के बाद सेक्टर 15 के मकान नंबर 1126 में नरेंद्र गुप्ता की सफलता की कहानी भी केसी लखानी और ओपी भल्ला जैसी ही है। औद्योगिक संगठनों में श्री गुप्ता खासे सक्रिय हैं। वह फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के अध्यक्ष, अग्रवाल सेवा सदन के ट्रस्टी और भी न जाने कितने संस्थानों से जुड़े हैं। श्री गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी चलाते हैं। पार्टी ने इस बार अपने तपे तपाए कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में प्राथमिकता दी है और ओल्ड फरीदाबाद के पुराने बीजेपी वालों से बात कीजिए जिन्होंने संघर्ष के दौर में लाठी सोटे अपनी पीठों पर झेले हैं। वह आपको बताएंगे अपने अनुभव कि आखिर कौन है यह नरेंद्र गुप्ता। मेरा सवाल है कि ये नरेंद्र गुप्ता कौन है? नरेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और मैं 1991 से इन्हें व्यक्तिगत जानता हूँ। जब ये हमारे आनंद शर्मा जी बल्लभगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो इनके साथ इन्होंने बड़ा सक्रियता की भूमिका निभाई थी। तो मैं तब गुप्ता जी ने अच्छा कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहे हैं। ये वहाँ के पहले मंडल कार्यकारिणी में थे, मंडल के अध्यक्ष रहे बल्लभगढ़ से। और मैं आप बात बताना चाहता हूँ, 1996 में जब मंडल के अध्यक्ष थे उस समय रामविलास शर्मा जी को यहाँ से लाया गया था तो उस समय भी ये मंडल के अध्यक्ष थे। और नरेंद्र मोदी जी से इनके व्यक्तिगत भी बड़े अच्छे परिचित रहे हैं। ये मनोहर लाल जी के साथ भी इन्होंने काम किया है और पार्टी के बहुत पुराने समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत पुराने कार्यकर्ता और आर स्वयं सेवक भी है। लोग कह रहे हैं नहीं जानते, पहचानते नहीं है। वैसे जानना देखो, पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को लोग जानते हैं ना, तो कमल का फूल ही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यक्ति नहीं है, कमल का फूल ही हुआ करता है। तो जिसको पार्टी ने टिकट दी वो भारतीय और ये व्यक्तिगत भी 15 सेक्टर में पहले 7 सेक्टर में रहते थे और अब 15 सेक्टर में रह रहे हैं। तो ये वैसे भी सामाजिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। इस समय इनके पास प्रदेश के ट्रेजरी कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी है इनके पास। माल वाल भी सब है नहीं, माल वाल तो देखो जो संगठन का होता है पार्टी का जो सिस्टम है वही होता है ना जी।